नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये सभी प्रश्न कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और एक दो प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी नेशनल पार्क से प्रश्न पूछा गया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कुल मिलाकर 17 क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? SSC में पूछा हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे, ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? समय शुरू होता है अब। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर डी। और ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था और 1 नवंबर 2000 को, यानी कि जिस समय झारखंड अलग हुआ था ना, उससे एक दिन पहले, 15 दिन पहले, जैसे कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था और ठीक इससे कुछ दिन पहले 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य में काजीरंगा वन्य जीव विहार स्थित है? काजीरंगा असम में है, ऑप्शन नंबर सी। असम की राजधानी है दिसपुर और यहां पर कामाख्या मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 3, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण यह भारत के किस प्रदेश में है और किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले आपको यह बताना है कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण भारत के किस राज्य में है और रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में, और रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण कहां स्थित है? यह बिहार के एग्जाम में पूछा गया है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, यानी कि BPSC में पूछा हुआ है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण कहां है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 5, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? यह 2 एग्जाम में पूछा हुआ है लगातार, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 6, भीमबंध अभ्यारण किस राज्य में है? देखिए, ये क्वेश्चन है बिहार का, यानी कि भीमबंध अभ्यारण तो बिहार में है और ये क्वेश्चन जो है MP पुलिस में पूछा गया है। बिहार के किस जिला में है भीमबंध अभ्यारण, ये आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, बिहार में तो है ही, ये नेशनल लेवल वाला के लिए है और ये आपका मुंगेर में है, ध्यान रखिएगा। भीमबंध अभ्यारण बिहार के मुंगेर जिला में है, ये MP पुलिस में पूछा गया था, इसलिए आप पड़ोसी राज्य के बारे में याद रखिएगा कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है। अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 8, मानस वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में स्थित है? मानस, ऑप्शन बी, असम में। क्वेश्चन नंबर 9, नोकरेक जीव मंडल रिजर्व कहां अवस्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NDA में पूछा हुआ, नोकरेक जीव मंडल रिजर्व कहां अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में नोकरेक जीव मंडल अभ्यारण है। क्वेश्चन नंबर 10, दाचीगम वन्य जीव अभ्यारण कहां स्थित है?
दाचीगंज वन्यजीव अभ्यारण जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर डी बांधवगढ़। तो देखिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में है और ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है इंडिया में 1973 में स्टार्ट की गई थी और इनके अंदर जो ऑप्शंस हैं कान्हा, किसली, रणथंभौर, जिम कार्बेट, ये सभी जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है जो कि 1973 में शुरू की गई थी। लेकिन बांधवगढ़ जो है ये नहीं आता है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण कौन है? बाघ रिजर्व, टाइगर रिजर्व इंडिया में सबसे बड़ा कौन है? तो यह है आपका जिम कार्बेट। और जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है कहां? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 13, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहां अवस्थित है? यूपीएससी में पूछा हुआ है, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम में, केवलादेव घाना पक्षी विहार। केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर में है और भरतपुर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, सरिस्का पक्षी विहार कहां अवस्थित है? सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? देखिए ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी। ओके, उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एक बार और हो सके तो देख लीजिएगा ताकि इससे प्रश्न पूछे तो आप आसानी से कर लीजिएगा। देखिए अगला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है? दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, वाल्मीकि राष्ट्रीय नेशनल पार्क किस राज्य में है? यह तो आप लोग को पता ही होगा कहां है। वाल्मीकि राष्ट्रीय नेशनल पार्क आपके प्यारा राज्य बिहार में है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और आप लोग ये बताइएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय नेशनल पार्क बिहार के किस जिला में है, क्योंकि आप लोग बिहार से हो आप इसलिए बता सकते हैं आसानी से। तो 17 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है और आपको एक बात ये भी बता दूं कि एक प्रश्न तो आपके लिए है ही और एक वीडियो जो है हम बिहार पुलिस के लिए साइंस का स्पेशल साइंस का क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया हूं और फुल डिटेल्स में आंसर दिया हूं उसमें, और क्विज भी मिल जाएगा और उसमें एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप यहां पे देख लीजिएगा, यही आई बटन पे मिलेगा, वहां से आप उस वीडियो को अवश्य देख लें क्योंकि साइंस भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके परीक्षा में। और एक प्रश्न आपके लिए है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है। और पिछला वीडियो तो आपको देखना ही देखना है, पिछला वीडियो मिलेगा कहां? यही देखिए है, यहां पे जाइए आई बटन पे, यहां पे आपको मिल जाएगा पिछला वीडियो। ओके, यहां पे आपको बिहार पुलिस का कांस्टेबल का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा और पिछला वीडियो और साइंस का क्वेश्चंस, हिस्ट्री सभी मिल जाएंगे। ओके, तो अंत में वही, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन क्लिक ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।